तो गाइस आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। जैसे कि तुम लोग को पता होगा कि बहुत दिनों से मैं नहीं था, इसकी वजह से एपिसोड दो का लास्ट एपिसोड नहीं आ रहा था, तो अब आ चुका है। एंजॉय करो, ऐसा लगे कमेंट करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो। वीडियो के ऊपर बढ़ते हैं जहाँ पर इधर एपिसोड की स्टार्टिंग पे हमें दिखाई पड़ता है तोरू जूलिए और लिलिथ और उसके साथ ही साथ थोड़ा एक साथ जा रहे थे उस जगह से, क्योंकि उन लोगों ने सोच लिया था उन लोगों ने तो हरा दिया है उस लड़के को, तो अब तो मसला सॉल्व हो चुका है। जहाँ पर इधर वो बोल रहे थे कि वो लोग इसी तरीके से तो जीत ही चुके हैं, तभी हमें दिखाया जाता है एक आवाज आता है कहीं से जो कि हंस रहा था, और तभी वहाँ पर से निकलता है वही बंदा जिक्र की था, तो वो बोल रहा था तुम लोग कैसे इसे पहले ही सेलिब्रेट कर सकते हो जब तक तुमने देखा ही नहीं कि मैं मर चुका हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है इधर का सीन था जहाँ पर इधर तोरा उसे देख कर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर इधर के उसका जो वेपन था तोरा का जो ये ब्लेस था उसे पकड़ लेता है। तोरा पूरा कोशिश कर रहा था अपना पूरा दम लगा कर इसे उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इधर दिखाई पड़ता है कि तोरा का जो ब्लेस था वो टूट जाता है वहाँ पर। ये देख कर उसे भी चोट आ जाती है क्योंकि अपना अगर ब्लेस टूट जाता है तो चोट तो आएगी ही। जहाँ पर इधर में दिखाई पड़ता है लिलिथ भी ये देख कर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर इधर केवल जो बंदा था वो अटैक को आसानी से दौस कर लेता है, और ये सारा कुछ पावर आ चुका था उसके पास उस वाले बटन को दबा कर। भी दिखाई जाए इधर वो लिलिथ के पास जाकर उसके पेट पे एक लात मारता है, और जब बोल रहा था मैं एक एक्सेप्शन से ऐसी उम्मीद तो कभी लगाया नहीं था वो इतने जल्दी हार जाएगी। जहाँ पर इधर लिलिथ वहाँ पर बेहोश हो जाती है, ये देखकर तोरू और जूलिए भी रेडी हो जाते हैं कि इसे लड़ने के लिए। जहाँ पर इधर के फुल पावर को यूज करने लगता है जिसकी वजह से उसके विंग्स निकल आ जाते हैं जो कि वह ठीक थे उसके, और इसे वो कनेक्ट नहीं था उसके सूट से ये कनेक्ट था, और इधर पूरा एक 3D का वो फ्लैग स्मार्ट है जो कि बहुत ही खराब दिख रहा था। जहाँ पर इधर वो लोग एक सारी लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पर इधर के जो बंदा था वो उन लोग के ऊपर बहुत ही भारी पड़ रहा था क्योंकि उसके ऊपर एक अलग सी ताकत थी। अभी भी निकल इधर वो जो के वाला बंदा था वो जूलिए के ऊपर अटैक करने वाला था, जहाँ पर हमारा जो तोरू था वो उसके आगे आ जाता है, और इधर उसके ऊपर ही टुकड़े गिर जाता है बिल्डिंग का, और इधर जो के था वो बोलने लगता है बॉडी बड़ी रहती है ना और की टेंशन और को चोट पहुँचेगा तुम प्रोटेक्ट करोगे, ये तो बड़ी बड़ी मूवीज में अच्छा लगता है, लाइफ में ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, ये वो बता रहा होता है। अभी मेरी कैसे जूलिए से कहीं से पीछे से निकल आ जाती है, मैंने कुछ गलती से कुछ बोल लिया है जो कि मुझे माफ करना। जहाँ पर इधर जूलिए हमारे के ऊपर अटैक कर देती है, और इधर उसके अटैक को डॉज कर लेता है, और इधर जूलिए और वो एक सारी के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन इधर के उसके अटैक को ऐसे ही डॉज कर लेता है और उन दोनों के बहुत दूर जाके धकेल देता है, इसकी वजह से उन लोगों की चोट आ चुकी थी। जहाँ पर इधर के पूरा फुल पावर पे आ चुका था, और जब बोल रहा था तब कैसा लगेगा अगर उसके मेन कैरेक्टर को दिखाई पड़े कि पूरा स्कूल ही तबाह हो रहा है। ऑब्वियसली एक कैरेक्टर अगर जो मेन कैरेक्टर होता है तो वो अपने स्कूल को बचाएगा क्योंकि वो हीरो है यार। यहाँ पर टोरू हमेशा की तरह मुंह खुला कर खुलाए बैठ जाता है, और इधर ये अपना पूरा फुल स्ट्रेंथ लगाकर उस सारे स्कूल को तबाह करने लगता है। जहाँ पर इधर वो एक जगह पर जो डॉर्मेटरी था जहाँ पर स्टूडेंट्स लोग रहते हैं के ऊपर भी अटैक कर देता है, जहाँ पर ये देख कर हमारा टूर और मुंह बड़ा कर लेता है, क्या मुंह बड़ा करने से ही क्या ये अटैक रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। जहाँ पर इधर जो जोकर चची वो भी आवर आ जाती है, और इधर वो के अटैक को रुकाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर इधर वो पूरा अपना फुल दम लगा देती है और वो अटैक किसी तरह रुका देती है, जिसकी वजह से इधर उससे यानी उसके बॉडी से भी खून आ जाता है। इधर सारे स्टूडेंट्स ही अपने टीचर को ये सब करता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं, वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर रही है। जहाँ पर इधर टीचर अपना आइकॉनिक स्टाइल लेती है थम्स अप दिखाकर तेज थंडर, जहाँ पर इधर इसका कोई मीनिंग नहीं बनता कि थम्स अप दिखाने से ताकतवर बन जाओगे, पर ये टीचर अलग सी है सिर्फ अपना अटैक को रुका कर ऐसा बोल रही है कि उसने दुनिया को बचा लिया, लेकिन इधर तो इसे हराना ही था। जहाँ पर इधर बुरा जूलिए और उनके ऊपर ये देती है कि वो ही ये कर सकता है, और इधर वो रेस्ट लेगी। जहाँ पर इधर तोरू और जूलिए एक सारी लड़ाई कर रहे थे, जहाँ पर इधर में दिखाई पड़ता है तोरू बहुत ही दूर जाके गिरता है, और इधर जो जूलिए थी उसे चोट आ चुकी थी, लेकिन तब भी वो उसके साथ लड़ाई कर रहा था। जहाँ पर इधर वो के जो बंदा था उसके पिन को तोड़ देती है, लेकिन इधर जो के बंदा था उसने अपना नाइफ के अंदर डाल दिया था यानी हाथों के अंदर डाल दिया था, जिसकी वजह से इधर जूलिए नीचे आकर गिर जाती है। जहाँ पर इधर के उसके ऊपर अटैक करने वाला था, ये देखकर तोरू अपना पावर यूज करता है जिसके वजह से वो दूर से उसके अटैक को रोक देता है, यानी कि एक सील बना देता है जूलिए के आसपास। जहाँ पर इधर जूलिए कुछ बात को देखकर हैरान थी, और ये हैरान थी क्योंकि इधर तोरू के ऊपर अटैक हो चुका था, और इधर एक नाइफ हमारे तोरू के आर पार हो चुका था। ये देख के जूलिए बहुत हैरान थी, जब वो बोल रहा था क्योंकि जो वो बोल रहा था कैसा लगे जब आप अगर अपने दोस्त को बचाने जाए तभी मर जाए, यानी कि ज्यादा अच्छा करने से भी तुम्हारी बुरा हुआ, ये वो बताता है। इधर हमारा जो तोरू था वो तो कुछ बोल ही नहीं पाता, वो वहाँ पर बेहोश हो चुका था, और लास्ट टाइम के लिए हम लोग तोरू को जिंदा देखे थे, ऐसा मैं मजाक कर रहा हूँ क्योंकि ये हमारा जो तोरू है वो अमर है, मरता कभी भी नहीं। और ये जूलिए ये देख कर वो बहुत ही हैरान हो जाती है, और जब वो तोरू के पास आ रही थी पर वो जितना पास आ रही थी उतना ही तोरू से खून बह रहा था। इधर
जो के था वो बोलने लगता है। तुम्हारी वजह से इसका ये हालत है। जहाँ पर रोते रोते के को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन इधर हमारा जो के उसका भट पर अटैक किया था, जिसकी वजह से कौन ही बच सकता है। इधर तुम तो कुछ आवाज ही नहीं देता, और ये देख कर जूलिए गुस्सा हो जाते है। जहाँ पर के बोल ही रहा था, और इधर जूलिए लाइफ रेडी करके उसे कुछ ब्लैक ऑरा निकल रहा था, और इधर वो उसके ऊपर अटैक कर देती है एकदम फुल स्ट्रेंथ पर। जहाँ पर इधर वो भारी पड़ रही थी के ऊपर। बात ही है, अगर तुम्हारे पास ये ताकत थी यार, तुमने पहले क्यों यूज नहीं किया? सेक्रीफाइस देने के बाद ही क्यों हमेशा पावर आती है? बहुत जगह पर देखा है, कोई मूवी में भी एक बंदा मरता है तो उसका जो साथी होगा गुस्सा होकर उसके ऊपर और जो उसे मारेगा। ऐसा क्यों होता है कमेंट करके बताना जरूर। जहाँ पर इधर की अटैक कर रहा था, लेकिन इधर जूलिए पूरा कुछ अटैक डॉच कर रही थी, और इधर उसका इतना स्पीड बढ़ चुका था कि वो बहुत ही इजी से उसको खत्म कर देती है। उसके दिल के पास ही एक बहुत ही भयानक कट लगा देती है। इधर तोरू भी बहुत दूर जाके गिर जाता है, और इन आवाज को जाकर सुनकर हमारा जाग जाता है तोरू। वो नाटक कर रहा था यार, अमर है बोला तो इसे ही मार डालो सब लोग मिलकर। जहाँ पर टोरू देखता है कि जूलिए बेकाबू हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और इधर मचो का सीन था, वो बहुत पर नीचे गिरा हुआ था, और जब जूलिए उसके ऊपर अटैक करने वाली थी, और जब सच वो खत्म करने वाली थी, और ये सीन आ चुका था एपिसोड 1 का। जहाँ पर हमारा जो टोरू था वो जूलिए को देख रहा था उस ब्लैक ऑरा में, और इधर उसे पहचानने वाली नहीं थी। जहाँ पर टोरू उसे रुकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जूलिए उसका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जहाँ पर टोरू सोचता है कि वो अपने ऊपर अटैक करके लेकर उसे रुका सकता है, और जब वो सील बना लेता है, और जब जूलिए भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। अभी तो तुम उसके मरने में डूब रही थी, अब तुम ही इसे खत्म करने वाली हो। यार ये एनीमे कुछ उल्टा पुल्टा है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, तुम्हारा लाइफ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पर टोरू अपने मन के अंदर बोल रहा था ये सारा कुछ। तो जूलिए का फॉर्म है वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आता है। ये ब्लैक ऑरा अच्छा नहीं है, ये ताकत भी अच्छी नहीं होती। मुझे किसी ना किसी तरीके से जूलिए को रुकाना पड़ेगा। मुझे वो याद करने लगता है जूलिए के पहले बातों को। तभी मेरी कहा जाए, इधर हमारा टोरू जो था वो अपना पावर को रिलीज करके उसको पूरा गले लगा लेता है। जहाँ पर इधर जूलिए ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन इधर वो रुका जाती है। मुझे टोरू बोल रहा था फिर से वापस आ जाओ जूलिए, मैं जिंदा हूँ। इधर जूलिए भी वापस आ चुकी थी। जहाँ पर इधर सरप्राइज देता है और की जहाँ पर इधर वो बोलता है तुम लोग प्यार भरी बातें हो जाएगी तो इधर मेरे ऊपर भी देखो, मैं हूँ कौन, मैं हूँ डॉन। और जब वो बोलता है कि वो अपना लास्ट मूव करके तुम दोनों को तो खत्म कर देगा ही, मैं पूरी स्कूल को खत्म नहीं कर पाए तब भी। यहाँ पर इधर जूलिए और टोरू रेडी हो जाते हैं कि वो बोलते हैं वो लोग पार्टनर है, इसी वजह से अगर एक साथ रहेंगे उन लोगों की ताकत बढ़ जाएगी, और इधर वैसे भी वो लोग बचेंगे। मेरे ख्याल से इधर जूलिए भी अपना टोरू के ऊपर रख देती है। जहाँ पर इधर वो लोग एक सील बना देते हैं, वो होगी या फिर ना होगी ये सील होता ही। जहाँ पर इधर उन लोगों पर अटैक कर देता है, जहाँ पर इधर की का जो अटैक था वो भारी पड़ रहा था हमारे जूलिए और टोरू के ऊपर, यानी कि वो रुका रहे थे। लेकिन इधर हमारा जो टोरू का फेस था उस पर कुछ क्रैक आने लगते, यानी कि वो टूट रहा था। जहाँ पर तभी हमारा जो टोरू और जूलिए थे वो बोलते हैं हमारे पावर को अपग्रेड करना पड़ेगा। जहाँ पर इधर वो अपना पूरा स्ट्रेंथ लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक पॉपर बड़ा सा ब्लू कलर का ऑरा आ जाता है, और इधर वो जो अटैक था के का वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी कि के का खेल खत्म हो चुका था, यानी उसके पास इतना भी पावर नहीं था। जहाँ पर इधर तब भी के रुका था, और जब वो बोलता है कि तब भी मैं तुम लोगों को खत्म करके ही मरूंगा, और इधर वो जूलिए और टोरू के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जहाँ पर इधर जूलिए आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तब गिर जाती है। इधर टोरू भी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका प्लेस काम नहीं कर रहा था क्योंकि उन लोगों ने अपना फुल स्ट्रेंथ लगा लिया था। जहाँ पर जूलिए बताती है टोरू उसका प्लेस यूज कर सकता है क्योंकि वो लोग सोर्स से कनेक्टेड है। और इधर टोरू ये बात होकर बहुत खुश हो जाता है कि उसे वेपन मिलने वाला है। और एक बात हमें पता चलती है, उसे भी इसकी बड़ा सीक्रेट रिवील होता है, जो हमारे टोरू के पास ये शील्ड है क्योंकि वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ही पैदा हुआ था, जो कि कोई बड़ा सीक्रेट भी नहीं था। ऐसे भी हमें दिखाया है, उसे पता चल जाता है कि सील तो हमेशा सुरक्षा के लिए काफी होता है। ये डायलॉग बोला था हमारे टोरू ने जूलिए को। जहाँ पर इधर तो और इधर की का जो मार्क्स था वो वहाँ पर ही टूट जाता है, और इधर वो मरता है या फिर नहीं वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। वे में दिखाया जाए नेक्स्ट सीन पर, जहाँ पर इधर टोरू जागता है, और इधर वो उसके ऑफिस में था। जहाँ पर सारे लोग ही उसके दोस्त ही वहाँ पर होते हैं, और इधर वो लोग एक साथ बातें कर रहे थे। जहाँ पर इधर टोरू बता रहा होता है लास्ट में तो हम लोग सारे अच्छे दोस्त बने चुके हैं, और इधर मियां भी माफी मांगते हैं, लेकिन इधर टोरू बताता है तो माफी की कोई जरूरत नहीं है, इससे हम लोग और टकराव बन चुके हैं। और मियां भी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। और जब मेरी दिखाया जाता है इधर टोरू को बाहर से आवाज आता है, जहाँ पर इधर वो देखता है जो टीचर के पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, और इधर ये देख कर टोरू पूछ रहे थे थोड़ा से ये क्यों है। जहाँ पर इधर थोड़ा बताने लगता है जब टीचर ने उन लोगों को बचाया था उस दिन के बाद ही टीचर यहाँ का मछिया बन चुका है हमारे रॉकी भाई की तरह। जहाँ पर हमारा टोरू बोले रहता है तो इन्हें भी काम तो करना ही पड़ेगा। जहाँ पर इधर नेक्स्ट सीन पर हमें दिखाई पड़ता है इधर टोरू किसी के नर्स ऑफिस के पार्ट था, जैसे ये जूलिए का ही रूम होगा, और इधर वो ट्रीटमेंट में उसने बहुत कुछ पावर अपना यूज कर लिया था। जहाँ पर इधर हमारा टोरू इंतजार कर रहा था जूलिए के बाहर आने का। और इधर टोरू होता है लिलियत के आगे, जहाँ पर लिलियत ने उसे एक
पाल लिया था केक के बारे में कि वो क्या है। उसका एक बड़ा भाई था जो कि उसे बाधा गया था कि प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन वो गायब हो चुका। और इधर उसके बाद ही उसका जो फैमिली था वो गायब हो गया, यानी कि बिछड़ गया। उसके बाद उसे एक सोल्जर की तरह ट्रेनिंग मिला, बुद्ध ने उसे अडेप्ट किया और फिर ये वो बन चुका है। टोटो इधर पूछता है कि उसने ये फाइल उसे ही क्यों दिया, जहाँ पर इधर बताने लगते हैं कि उसे लगा कि तोरो उसके ऊपर इंटरेस्ट था, के ऊपर इंटरेस्टेड है, इसी वजह से उसने दिया। और इधर ये बात सुनकर इधर हमारा तोरो उसका थैंक्स कहता है, जब इधर लिलियत बता दी है जो तुम इंतजार कर रहे थे वो लड़की अब जाग चुकी है। ये बात सुनकर इधर हमारा तोरो था वो उसका कुछ उसी का ठिकाना ही नहीं था, तो वो वहाँ पर चिल्ला पड़ता है। ये देखकर इधर बोलने लगती है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए अपने वाइफ के आगे, यानी फ्यूचर वाइफ के आगे, उसे बुरा लग सकता है। जहाँ पर इधर तोरो माफी मांगता है, लेकिन इधर बोलती है तुम जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पर इधर तभी उसके जाने के बाद ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है प्रिंसिपल होती है। जहाँ पर वो बोल रही थी, यानी लिलियत बोल रही थी प्रिंसिपल से आपने उसे क्यों फाइल देने के लिए बोला। जहाँ पर इधर जब बताती है अगर हम लोग मेंटल भी स्ट्रांग बने कि अपने एनिमी के बारे में भी वो कैसे जगह से गुजरा है ये बात हमें पता चल रही तो हम लोग और स्ट्रांगर बन सकते हैं। अभी अमेरिका जाए इधर बोल दिया तुम अभी भी नहीं बदली। जहाँ पर इधर बता दी है क्योंकि वो ढूंढ रही है, वो बनाने की कोशिश कर रही है एब्सोल्यूट ड्यू को। अमेरिका जाए इधर तोरो का सीन था। जहाँ पर इधर वो तो जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही सीन है। ये मैंने पहले ही सोच लिया था कि हमारा तोरो ढूंढता रहेगा देखो, और इधर वो एक ही जगह पे मिल सकते हैं उसे। यहाँ पर थोड़ी दुख भरी बातें होगी और ऐसा ही होता है। यहाँ पर तोरो मिलता है देखो उस क्लॉक टावर पे, जहाँ पर इधर बताने लगती है एक सीक्रेट कि वो सेस नहीं है जो कि नॉर्मल लोग होते हैं, कुछ और है, कुछ वन कुछ ऐसा ही था। और इधर वो बताती है कि उसके पास जब उसके फादर गुजर गए उसके बाद उसने उसके लिए एक ताकत उसके अंदर पैदा हुई और उसे ईवान कुछ बोलते हैं। ये बात सुनकर इधर और ये दुखी थी और वो बता रही थी कि मैं ये तुम्हें पहले बोलने के लिए और ये डर रही थी क्योंकि मैंने सोचा कि तुम मेरे से दूर चले जाओगे। और मेन बात तो ये है कि मैंने सोचा था कि ये पावर तुम्हें भी कभी चोट पहुंचा सकती है क्योंकि ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहता। जहाँ पर इधर तोरो उससे भी माफी मांगने लगता है, उसने भी बहुत ही झूठ बोला क्योंकि उसने देखा था उसके पावर्स को फर्स्ट टाइम, लेकिन तब भी वो छोटी बच्ची थी। इधर तोरो ने उसका इस्तेमाल किया, वो चोटिल था तब रिवेंज के चक्कर में जूलिया अपने टावर को अनलॉक कर दिया था। ये यूज किया था ये वो बोल रहा था, हमें साफ दिखाई पड़ रहा था कि तोरो बेहोश था कि वो कमजोर है यार, तुम लोग नहीं हुई मुझे पता है इसलिए सब्सक्राइब करो यार। फिर तभी हमें दिखाया जाए इधर पूरा माफी मांग रहा था। जहाँ पर जब वो दोनों ही बड़े दुखी लग रहे थे, जहाँ पर जूलिया बताती है कि तब भी वो उसके साथ रहना चाहती है, वो उसके साथ एब्सोल्यूट ड्यू पार्टनर बनना चाहती है। और ये देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और जब वो अपने दोनों ब्लिस को एक साथ लाते हैं और जब वो लोग वादा करते हैं मरते दम तक वो लोग एक साथ ही रहेंगे, सिर्फ उसे मौत ही अलग कर सकती है। तो गाइस इसी के साथ ही ये एनिमे एंड होता है। ऐसा लगा एपिसोड आप लोग कमेंट करके बताना जरूर। और लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पर वो दोनों एक साथ ही एप्पल दिखाते हैं, जब वो लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं। तो गाइस यही लास्ट सीन था और इसके बाद नेक्स्ट सीजन नहीं आने वाला। तो हाँ मुझे पता है कि तुम लोगों को नेक्स्ट सीजन पसंद आ सकता है, यानी कि चाहिए होगा लेकिन नहीं आएगा, माफ करना। लेकिन हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि ऑसम होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले यानी कि उस नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए तुम लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छे से कमेंट कर सकते हो और वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कर सकते हो। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले एपिसोड के साथ, तब तक सॉरी सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर वॉचिंग दिस वीडियो।